जोसा जो काउंसलिंग होती है ये आपकी पूरे 2 साल की मेहनत का रिजल्ट आपको अल्लाह के हाथ के अंदर देती है। हाँ जी, बहुतों की 3 साल की मेहनत भी होती है। ये काउंसलिंग डिसाइड करती है कि यार आप 4 साल बाद कौन सी गाड़ी लोगे, किस घर में रहोगे, या फिर बहुत सारे बच्चों के लिए 2 साल बाद ये गाड़ी दिला देती है। हाँ जी, घर दिला देती है और मिलियनेयर बना देती है। भैया कैसे करती है भैया काउंसलिंग, हाँ जी क्या प्रोसेस रहता है इसका? ऑब्वियसली आज देश तो बहुत ज्यादा बदल रहा है। अब पिछले 100 सालों के अंदर जितना देश नहीं बदला उससे ज्यादा पिछले 2 साल में बदल गया। आने वाले 10 साल के अंदर इतना ज्यादा बदल जाएगा, सारी की सारी 90% जॉब्स रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन फिर भी आज हमारे लल्लू लाल काउंसलर जिनको कुछ भी नॉलेज नहीं है, 2010 के अंदर भी वैसी काउंसलिंग किया करते थे, वही चॉइस फिलिंग भरा करते थे, वही ब्रांचेज भरा करते थे और आज भी वही ब्रांच भरा कर रहे हैं भैया। हाँ जी, जिस जो ब्रांच 2010 साल बाद एग्जिस्ट ही नहीं करेगी उसको भी डाल रहे भैया। हाँ जी, ये NIT, ये IIT, ये IIIT, ये GFTI, अबे नल्लो सुधर जाओ, शर्म करो, बेशर्म हो। अब आज से थोड़ा मैं आपको थोड़ी कहानी बताता हूँ। आज से 3 साल पहले अब हमारे राजस्थान के अंदर जो रेस्टोरेंट थे उसके ऊपर बहुत सारे वेटर काम किया करते थे, लेकिन 2020 के बाद में वो सारे वेटर रिप्लेस हो गए। हमारे अलवर, राजस्थान, जोधपुर, अजमेर, यहाँ पे बहुत होटलें हुआ करती है भैया, बहुत टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे नौकर चाकर होटलों के अंदर आ करते थे। लेकिन आजकल खाने के लिए तो रेलगाड़ी लगा दी है और रूम के अंदर क्या, किचन के अंदर रोबोट लगा दिए भैया, वही खाना बना रहा है, अब वही ला रहा है। पहले हम हॉस्टल के अंदर जब कॉलेज में रहा करते थे हाथ से झाड़ू लगाते थे, आजकल ये डिवाइस गोल गोल घूम करके पूरे रूम को साफ कर दे रहा है। हाँ जी, अब वैसे आपके भी बहुत सारे छोटे छोटे सपने होंगे भैया, अब मेरे को क्या करना है। अब मेरा एक दोस्त है जो कि 12th अभी उसने JEE का एग्जाम दिया, उसके बहुत रैंक आया, वो क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप। अभी तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे 10th पास किया, 11th पास किया, स्टार्टअप कर रहे हैं भैया, इन्वेस्टमेंट चाहिए, फंडिंग चाहिए, इनफैक्ट टी-शर्ट भी बन रहे भैया, मेरे को सॉफ्टिंग इंडिया में जाओ ना, मेरे को फंडिंग चाहिए, मेरे को फंडिंग चाहिए, मेरे को टेक्नोलॉजी चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। ओ भैया, हाँ 11th क्लास का बच्चा, अरे 16 साल का बच्चा आजकल शार्क टैंक देखने के बाद बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। आपके भी दिमाग के अंदर आ रहा होगा भैया स्टार्टअप करूंगा, फंडिंग लूंगा, IIT जाऊंगा, NIT जाऊंगा, नई नई प्रकार की मशीनें बनाऊंगा। लेकिन कैसे, अब थोड़ा डीप के अंदर स्टडी करते हैं। अब वैसे बहुतों ने बहुत कुछ सोच रहा होगा, हाँ जी मेरे को एक्टर बनना है, मेरे को हीरोइन बननी है, मेरे को अपना स्टार्टअप करना है, मेरे को UPSC करनी है, मेरे को R&D रिसर्च लैब में जाना है, मेरे को अपना ऐप बनाना है, मेरे को कुछ नया बनाना है। भैया R&D सेक्टर बहुत बढ़ रहा है आजकल, हाँ जी आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा, आपकी R&D टीम कैसी है भैया, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैसे कर रहे हो, कैसे बना रहे हो आप प्रोडक्ट को। हाँ जी, आप वैसे आपको अगर एक्टर बनना है, अगर आप मगनपुर, जगनपुर, रामपुर, पूरपुर, लालपुर में रह रहे हो, आप बिहार में हो, आप गुजरात में हो, पंजाब में हो, तो आप कैसे एक्टर बन सकते हो? हाँ जी, उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है, आप मुंबई के अंदर हो या फिर आपका इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है और वो आपको एक थिएटर क्लब प्रोवाइड कर रहा है, एक्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, आपके पास अच्छी फैसिलिटी है, तो आप एक्टर बन पाओगे। लेकिन आपको मुंबई तो फिर भी जाना पड़ेगा ऑडिशंस के लिए, हाँ जी आप मूवीज के लिए, लाइक डेट कुछ भी हो, आपको किसी भी हाल में मुंबई जाना पड़ेगा। अब आप पंजाब में बैठे हैं, आप राजस्थान में बैठे हैं, आप गुजरात में बैठे हैं, आप मुंबई डायरेक्टली हर रोज जा नहीं सकते, हर वीक जा नहीं सकते। लेकिन अगर आप वहीं के कॉलेज में हैं, आप IIT बॉम्बे में हैं, आप पवई में हैं, वहाँ के लोकल कॉलेज में आप डायरेक्टली जैसे ही कंप्लीट हुआ आपका क्लास 9 से 12 दो चले भैया ऑडिशन देने, ऑडिशन दिया, हीरो बन गए। हाँ जी, दूसरा बात करते हैं भैया, मेरे को स्टार्टअप करना है नया, एकदम करेजी स्टार्टअप, नया फंडिंग लूंगा, बना दूंगा, बन जाऊंगा मिलियनेयर, एकदम प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, ऐप बनाऊंगा, टेक्नोलॉजी लगाऊंगा। मैं बिहार के अंदर रह रहा हूँ भैया, मैं झारखंड में रह रहा हूँ, अब मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, हाँ मैं हरियाणा के अंदर रह रहा हूँ, अब क्या मैं कर पाऊंगा? हाँ जी, मैं वहां से इनोवेशन कहां से लाऊंगा, वहां
पे टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, इन्वेस्टर और फंड और एंजल कहां से मिलेगा? मेरे को मिलेगा नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, लल्लू लाल बैठा रहूंगा वहां पे। लेकिन लेकिन अगर कोई अब बेंगलोर के अंदर, हाँ जी भाई, आपने सिलिकॉन वैली का नाम सुना है? इंडिया का सिलिकॉन वैली। अब वैसे आज आज हमारे देश का सबसे बड़ा टेक जो है इंडिया के सिलिकॉन वैली के अंदर है। हाँ जी, बेंगलोर की बात कर रहा हूं मैं। बेंगलोर बेसिकली क्या करता है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, आपको फंडिंग चाहिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपको वहां पे इजीली मिल जाता है। अगर आप दिल्ली के अंदर है, अगर आप दिल्ली में है, आप कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं, आपको इंडस्ट्री मिल जाएगा, आपको कोई फैक्ट्री मिल जाएगा, आपको कोई छोटा मोटा ऑफिस मिल जाएगा और आपको इन्वेस्टर भी मिल जाएगा। अगर हमारे देश में आज 100 मिलियनियर है, अब तो उसके अंदर 64 मिलियनियर कहाँ पर रह रहे होंगे भैया? हाँ, आप मुंबई में रह रहे होंगे, उसके बाद जो बच गए वो दिल्ली में रह रहे होंगे। हाँ जी, IIT दिल्ली से इतना ज्यादा स्टार्टअप्स कैसे निकल जाते हैं ये? हाँ, ये जोमेटो, ये भारत पे, ये IIT दिल्ली में कैसे कैसे बनाए लोगों ने? ये खड़गपुर वाले कैसे नहीं बना रहे? ये जोधपुर वाले, ये रोपड़ वाले, ये रुड़की वाले, इनको क्या हो रहा है? इनके पास क्या फैकल्टी नहीं है? इनके इंस्टीट्यूट क्या अच्छा नहीं पढ़ा रहे? ये IIT दिल्ली वाला इतने स्टार्टअप कैसे निकाल देता है भैया? ये थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तक आते तक इतने करोड़ की फंडिंग उठाई इस स्टार्टअप ने, कैसे ये IIT वाले, ये दिल्ली वालों का ये सह गया? ये बॉम्बे वाले इतना क्यों लाते हैं? इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी है? हाँ जी, बाहर निकले, इनको इनोवेशन मिल गया। हाँ जी, आप बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर मिल जाते हैं इनको। लेकिन आप अगर बिहार में जाते हो, अब बिहार में कोई नहीं, आपको पौवा मिलता है। हाँ जी, आपको पौवा मिल जाता है। लेकिन आप अगर दिल्ली में है, बॉम्बे में है, बेंगलोर में है, आपको इंक्यूबेशन सेंटर मिल जाएगा, इनोवेशन सेंटर आपको मिल जाएगा। हाँ जी, आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा, इन्वेस्टर आपके पास चल के आ जाएगा, भैया IIT दिल्ली में कुछ बना रहे हो नया, कुछ नया बना रहे हो, कोई बात नहीं, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ तुम्हारे अंदर, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तुम बनाते जाओ, नया नया स्टार्टअप बड़ा खड़ा कर दो एकदम। अब इसका है कि IIT दिल्ली का है, ये बॉम्बे का है, ये बेंगलोर का है, लेकिन आप तो लल्लू लाल है, आप तो काउंसलर की सुनते हैं भैया, आप तो हिमाचल जाओ। हाँ जी, आप हिमाचल के अंदर आप स्टार्टअप छोड़ो, आप बर्फ के अंदर दब के फंस जाओगे भैया। हाँ जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रैंक आ रहा है, 2010 में ये बेस्ट था और आज 2020 के अंदर भी ये बेस्ट है और आज 2023 में भी वही हिमाचल है। इनफैक्ट आप एक बार सोच करके देखो उस लल्लू लाल काउंसलर के बारे में, अब 2000 के अंदर भी वही काउंसलिंग, 2010 में भी वही काउंसलिंग, वही ब्रांच। अरे वो ब्रांच जो 10 साल बाद रहेगी नहीं, अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाओगे तुम? ऐसा नहीं कि तुम लोग IIT चले जाओगे, NIT चले जाओगे, आपको बहुत खतरनाक बड़ी जॉब मिल जाएगी। ये जो NIT सिलचर है, हाँ जी, आसाम के अंदर बहुत सारे कॉलेजेज है, GFTI कॉलेजेज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जे क्या करते हैं इनके बच्चे? हाँ जी भैया, अभी तक कहाँ पे जॉब पे पोस्टेड होंगे? सिर्फ 1% ऐसे बच्चे हैं अब जो कि टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, कोई UI/UX डिजाइन कर रहा है, कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कर रहा है, कोई फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, बैक एंड डेवलपर है। उसके बाद में अब 80% अनएम्प्लॉयमेंट है और जो 10% बच गए वो क्या कर रहे हैं भैया? वो स्पेसिफिक जॉब फाइल बताता हूँ, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, गूगल एड और इंस्टाग्राम एड। ये भी इनको कॉलेज ने नहीं सिखाया, बच्चों ने खुद जाके ट्रेनिंग लेके सीखा है, उसके बाद में जो फाइंड आउट की है वो भी 4-5 LFA की, वो भी स्टार्टअप्स के अंदर जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ये है रियलिटी। ओके, इसलिए यार आपको लोकेशन, आपका आइडिया, आपका कोई अगर कोई सपना है कि यार मेरे को ऐसा ऐसा कुछ बनना है, ऐसा ऐसा कुछ उकाड़ना है, वैसे जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो, क्योंकि अभी आपने 12th पास किया है तो ऐसा तो कोई शायद अभी सोचा नहीं होगा कि स्टार्टअप कैसे होता है। हाँ जी, इंक्यूबेशन सेंटर, इनोवेशन सेंटर, इंफ्रा, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट, प्लेसमेंट, वैसे अगर आपको बहुत अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, आपके लिए IIT कानपुर है, हाँ जी IIT खड़गपुर है, हाँ जी IIT रुड़की है। आपको अगर रिसर्च करना है, बहुत ज्यादा रिसर्च करना है, थीसिस करनी है, एकदम नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट बनाना है, IIT मद्रास आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वैसे भी बड़े बड़े स्कूटर्स, इनोवेशन जितने भी हो रहे हैं ना, आपने देखा होगा, अब पहले स्कूटर एकदम सीधा चलता था, आगे आगे वो ब्रेक नहीं आता था, और IIT मद्रास वाले बच्चों ने सोचा यार कैसा करें, इसको कुछ सेंसर लगाते हैं, एक जगह सीधा एकदम खड़ा रहेगा और इनोवेशन सेंटर में बैठे भैया बनाया, कोई बात नहीं, अब आपका स्कूटर गिरेगा नहीं, सीधा खड़ा रहेगा बिना किसी स्टैंड के। ये किसका कमाल है? ये IIT मद्रास के बच्चों का कमाल है। अब कोई बात नहीं, हम कुछ
कुछ ऐसा बनाते हैं, आप कुछ नया बनाते हैं। आईआईटी बॉम्बे वाले बच्चों ने क्या किया, 2017 के अंदर जियो ने जो 4G टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, जब मोटा भाई को पता चला भैया आईआईटी बॉम्बे वालों ने ऐसा बनाया, कोई बात नहीं, उन्होंने उसको नौकरी दे दी, भैया कोई बात नहीं, तुम्हारी टेक्नोलॉजी हम खरीद लेते हैं, पूरा देश पूरा वर्ल्ड आज 4G यूज कर रहा है। हाँ जी, और भी बहुत सारे नई नई टेक्नोलॉजीज है, नए नए इनोवेशन सेंटर्स है, लेकिन आप एक काम करो, आप अच्छी लोकेशन चूज करो भैया, आप अच्छा कैंपस चूज करो। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप भैया आईआईटी खड़गपुर को छोड़ दो, यार वो तो वेस्ट बंगाल में है। हाँ जी भैया, दीदी कुछ करने ही नहीं देंगी, अपन को अपना फैक्ट्री भी नहीं डालने देंगी, कुछ भी नहीं करने देगी, बिहार नहीं चलेंगे भैया, बिहार में पौआ मिलता है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये सिर्फ लल्लू लाल कॉलेजों के लिए था। अगर आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है, कोई बात नहीं, आप 4 साल पढ़ो वहाँ पे, फिर अच्छे शहर में आओ, फिर फंडिंग उठाओ, अपना स्टार्टअप करो, या फिर प्रिपरेशन करो भैया, यूपीएससी करेक्ट करो, आप कोई बात नहीं, आप अच्छा प्लेसमेंट फोड़ो, बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज में जॉब करो, और जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको एक्टर बनना है, कोई बात नहीं, आप बाद में मुंबई जाओ, लेकिन अगर आपको आईआईटी मिल रहा है तो आप उसको ना छोड़ो। अगर आप लल्लू लाल कॉलेज में जा रहे हो और उसके बाद ऐसा सोचते हो, तब पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन पे आप इन सब बातों को ध्यान रखो। हाँ जी, उसके बाद हम आपकी क्या हेल्प करते हैं भैया, आज देश के अंदर 99% कॉलेज क्या है, लल्लू लाल कॉलेज है। लल्लू लाल कॉलेज बोले तो वो क्या करते हैं भैया, वो आपको ट्रेडिशनल जो सब्जेक्ट चल रहे हैं अब वो ही सिखाते हैं। वो आपको कभी नहीं सिखाते कि मार्केट में कौन सी जॉब चल रही है भैया। अभी जब आप मार्केट को एनालिसिस करोगे, आपको मार्केट में कौन सी जॉब सबसे ज्यादा दिखेगी, आज हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी है $3 trillion की। हाँ जी, हर बिजनेस, हर दुकान वाला ये चाहता है कि मैं अपने ब्रांड को प्रमोट करूं, ऑनलाइन शो कराऊं, गूगल एड चलाऊं, इंस्टाग्राम एड चलाऊं, हाँ जी भैया सोशल मीडिया पे पोस्ट डालूं, हाँ जी वीडियो एडिटिंग उसको चाहिए, उसको अपने प्रोडक्ट का एनिमेशन चाहिए भैया, उसको चाहिए अपनी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यूनिक प्रोडक्ट, उसका अगर कोई नया प्रोडक्ट है उसका ट्रेडमार्क, हाँ जी उसको अपने बिजनेस का लोगो चाहिए, और क्या चाहिए, नया नया डेवलपमेंट चाहिए, उसको अपना ऑनलाइन सेटिस्फेक्शन चाहिए, उसको ऑनलाइन अपना स्केल करना है, और भी बहुत सारी फाइनेंस के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। हम क्या करते हैं, हम आपको 4 साल का सार भी प्रोवाइड करते हैं भैया। आपका लल्लू लाल कॉलेज है, हाँ जी आपके पास अभी कोई स्किल नहीं है, आपका कॉलेज वाला आपको स्किल प्रोवाइड नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, हम आपको स्किल तो प्रोवाइड करेंगे ही, हम आपको उसके साथ में क्या करते हैं, इंटर्नशिप भी दे देते हैं भैया। अब तुम वहाँ पे पढ़ाई भी करो, कॉलेज तुमको डिग्री दे रहा है, ट्रेडिशनल सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, लेकिन हम तुमको रियल लाइफ सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हम तुमको जो मार्केट में चाहिए वो तुम्हें सिखाएंगे भैया, ऑडिटिंग कैसे करते हैं, फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं, अब ये शेयर मार्केट कैसे काम करता है, पैसे कैसे लगाते हैं, निकालते कैसे हैं, आज सारा का सारा प्रोजेक्ट, कंटेंट कैसे डेवलप करते हैं भैया, हाँ जी कंटेंट राइट कैसे किया जाता है, ऑडिटिंग कैसे की जाती है, कॉपी राइटिंग कैसे की जाती है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है, एसईओ कैसे किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे यूज किया जाता है, पूरा कंप्लीट आपको 2 साल के अंदर एक्सपर्ट बना देते हैं, 3rd साल आपके हाथ में जॉब्स होती है बहुत सारी, और कॉलेज से आप डिग्री लेते हो। उसके बाद हम क्या करते हैं आपको, और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं भैया, आपको लोन चाहिए कोई बात नहीं, आप अगर बैंक में जाओगे आपको बैंक वाला गलत प्रकार का लोन चिपका देगा, इसके लिए एक अलग वीडियो है, आप वो जाके देखो, और हमारा दुनिया का सबसे अफोर्डेबल आपका साथी प्रोग्राम, जिसके अंदर आपके सारा एडमिशन प्रोसेस, चाहे लल्लू लाल कॉलेज हो, चाहे IIT हो, चाहे आईसर हो, चाहे नाइसर हो, चाहे IIST हो, सबके अंदर सिर्फ एक पिज्जा की प्राइस के अंदर। इसी के साथ थैंक यू।